हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास माय नेम इज तान्या गौतम कैसे हो आप सब आज हम कवर करेंगे हनी सर्कल्स सीबीएसई क्लास सिक्स एन का चैप्टर नंबर सेवन इससे पहले मैंने प्रीवियसली बाकी के छह चैप्टर्स की वीडियो आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दी है अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज उनको भी देख लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन फेयर प्ले तो शुरू करने से पहले पहले ये पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग वॉट डिड यू डू देन डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट क्या कभी आपके फ्रेंड ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो आपने सोचा भी नहीं था वो आपके साथ कर सकता है कुछ इतना गलत जब उसने कुछ गलत किया तो आपने क्या किया आप चुप रहे या आपने अपने फ्रेंड से इस चीज़ के बारे में बात की रीड द स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड हु हैड टू डिसाइड वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी और अ सेंस ऑफ वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग ये स्टोरी आप लोग रीड करो आपको पता चलेगा कि क्या जरूरी है फ्रेंडशिप जरूरी है दोस्ती जरूरी है या फिर एनिमिटी एनिमिटी मतलब दुश्मनी तो चलिए शुरू करते हैं फेयर प्ले पार्ट वन जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी व गुड फ्रेंड्स

इतनी तारीफ होती है इन दोनों की विलेज में सब लोग इसी वजह से इन दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं विलेज में जिस गांव में वो रहते हैं वहां इन दोनों को बहुत ज्यादा क्योंकि इन दोनों की जो है, वो बहुत अच्छी है जुम्मन हैड एन ओल्ड एंड हु दिस शी ट्रांसफोर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग वु स्टे विद एंड वु The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. जो जुम्मन है उसकी एक आंट है एक चाची है जो जुम्मन के साथ रहती हैं उनके पास उनकी कुछ प्रॉपर्टी है फिर उन्होंने अपनी वो जो प्रॉपर्टी है वो जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी इस बा इस इस कंडीशन पर कि जो जुम्मन और उसकी वाइफ है जुम्मन और उसकी फैमिली है वो उनका ध्यान रखेगी वो उनको खाना देगी टाइम टू टाइम उनकी मेडिसन्स खाना सब कुछ देंगी बट कुछ सालों तक तो ये सब अच्छे से चलता रहा वो लोग ध्यान रखते रहे पर फिर अब कुछ चेंजेस आने लगे हैं चलिए पढ़ते हैं वो चेंजेस क्या हैं जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव जुम्मन बिकेम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रस्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे शीज स्वेल ओड दीज इंसल्ट अलॉन्ग फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट है जुम्मन है उसका बिहेवियर चेंज होने लगा अपनी चाची की तरफ जुम्मन और उसकी वाइफ जो है उनको दिक्कत होने लगी उनसे उनको थोड़ा सा खाना देने में भी जुम्मन की वाइफ मुंह बनाती थी वो उनकी इंसल्ट करती थी ठीक है स्वेलोड का मतलब बर्दाश्त करना ठीक लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है इंसल्ट सहने की भी परेशानी सहने की भी एक सीमा होती है उनका सब्र टूट गया एक दिन पेशेंस ख़त्म हो गया तो देखते हैं उसके बाद क्या हुआ वन डे शी स्पोक टू जुम्मन माई सन इट इज नॉट ऑलवियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन स्टेप अप सेपरेट किचन वो बोलती हैं जुम्मन से कि बेटा मुझे अच्छे से पता है कि अब तुम्हारे को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे घर में मेरे लिए जगह नहीं है मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है तुम ऐसा करो मुझे थोड़ा सा महीने का खर्चा दे दिया करो अलाउंस मतलब खर्चा देना जिससे कि मैं अपनी एक सेपरेट किचन बना लूंगी अलग किचन बना लूंगी अपना खुद बना लूंगी खा लूंगी तो इस पर हाउस बी पेशेंट से पंचायत जुम्मन बोलता है मेरी pan वाइफ को अच्छे से पता है घर कैसे चलाना है ठीक है वो इतने गुस्से से बोलता है बोलता है आप शांत रहो ठीक तो इस बात की वजह से जो उसकी चाची थी उनको बहुत बुरा लगा तो उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है अब नहीं सुन रहा है तो मैं पंचायत में जाती हूँ अब इस चीज का फैसला पंचायत के लोग ही करेंगे फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू दिलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट सम सिंपथाइज हर विद हर अदर लाफ्ट एट हर एंड फ्यू एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड वाइफ कुछ दिनों तक चाची को देखा गया कि वो जो विलेज के लोग हैं उनसे बातचीत कर रही हैं कुछ लोग उन पर हंसते थे कुछ लोग उनको सिंपति देते थे सात्वना देते थे और कुछ लोग उनसे कहते थे भाई तुम अपने नेफ्यू के साथ अपने भतीजे के साथ और उसकी वाइफ के साथ बात बना के रखो वरना गड़बड़ हो जाएगी तुम उनसे बातचीत करके ही मामला सेटल कर लो एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम वो फिर अलगू चौधरी जैसा कि हमने पढ़ा था अलगू और जुम्मन बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे मतलब फ्रेंड्स हैं वो फिर लास्ट में अलगू चौधरी के पास आती हैं और अलगू चौधरी से अपनी बात करती हैं वो बोलती हैं तो अलगू चौधरी बोलता है यू नो चाची जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड हाउ केन आई गो अगेंस्ट हिम अलगू सेड अलगू कहता है चाची आपको तो पता ही है ना जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ तो फिर चाची बोलती हैं But is it right my son to keep mum and not say what you consider just fair? Plead the old lady. Come to the panchayat and speak the truth. She said. Algu didn't reply but her words kept ringing in his ear. वो बोलती हैं ठीक है मैं मानती हूँ बेटा कि जो जुम्मा ने है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है पर क्या ये सही है कि तुम सब कुछ सच जानते हो वे भी चुप रहो और मेरी जैसी बुढ़ी औरत की मदद ना करो ठीक है मैं अपनी दिक्कत तुम्हें बता रही हूँ जो भी तुम्हें सही लगे तुम करना हो सके तो पंचायत में आना और आके सच बोलना तो वो इतना बोल के चली जाती हैं अलगू कोई रिप्लाई नहीं देता है पर उनकी जो बातें हैं वो उसके कानों में उनके अलगू के दिमाग में चलती रहती हैं फिर शुरू होता है पार्ट सेकेंड द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनियन ट्री

मेरी जो चाची हैं वो डिसीजन ले लें कि वो किसको हेड पंच चुनना चाहती हैं जो भी उनका डिसीजन होगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से तो द पंच नो नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड तो जो चाची हैं वो बोलती हैं कि जो पंच होते हैं ना वो दोस्ती समझते हैं ना वो दुश्मनी समझते हैं उनके लिए तो बस फेयर डिसीजन ही मायने रखता है सही डिसीजन ही मायने रखता है तो वो बोलती हैं अलगू चौधरी सही रहेंगे इस डिसीजन को लेने के लिए तो वो अनाउंसमेंट कर देती है कि मैं चाहती हूँ जो हेड पंचायत हो तो वो अलगू चौधरी हो फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग इज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक जो जुम्मन है वो बोलता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है और वो अंदर से बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता है अलगू उसका फ्रेंड है वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा तो वो बोलता है अलगू बोलता है चाची से चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद वो बोलता है आप जानती हो ना मेरी फ्रेंडशिप है जुम्मन के साथ तो चाची बोलती है आई नो दैट रिप्लाइड द आंट बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस वो बोलती है मैं जानती हूँ कि हाँ तोम अलगू और जुम्मन तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो पर मैं इतना भी जानती हूँ कि जो पंच होते हैं वो सिर्फ फेयर डिसीजन एक सही डिसीजन पर फोकस करते हैं और उनके जो दिल में उनकी जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है तो मुझे भरोसा है कि तुम सही डिसीजन लोगे और वो अपना पूरा केस पंचायत के सामने रखती है कि ऐसा ऐसा उनके साथ हो रहा है जुम्मन सेड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू नाउ आई एम पंच यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी यू हैव टू से इन योर डिफेंस अलगू कहता है जुम कि जुम्मन तुम जानते हो मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं लेकिन अभी मैं पंच का हिस्सा हूँ मैं पंचायत का हिस्सा हूँ तो तुम और तुम्हारी चाची दोनों ही मेरे सामने इक्वल है हुए तो क्या तुम अपने बिहा अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो तो जुम्मन बोलना शुरू करता है थ्री ईयर्स अगो बिगेन जुम्मन माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव आई हैव डन ऑल आई कुड देर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कॉन्ट स्टॉप इट नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी दिस इज नॉट पॉसिबल दैट्स ऑल आई हैव टू से जुम्मन बोलता है कि तीन साल पहले मेरी जो चाची हैं उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दी थी और मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं उनका ध्यान रखूंगा जब तक वो जिंदा रहेंगी उनके खाने पीने का उनकी दवाइयों का उनके पूरे आराम का लेकिन अब कुछ टाइम से मेरी वाइफ के बीच में और मेरी चाची के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और मैं ये सब रोक नहीं पा रहा हूँ और अब मेरी जो चाची हैं वो बोल रही हैं मुझे मंथली एक खर्चा चाहिए जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो बोलता है बस इतना ही मुझे कहना है जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जाम बाई अलगू एंड अदर्स दैन अलगू अनाउंसड वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली एंड इन आर ऑप्शन जुम्मन मस्ट पे हिज अ मंथली अलाउेंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर फिर जो बाकी के पंच हैं और अलगू वो लोग क्रॉस एग्ज़ामिन करते हैं चाची को और जुम्मन को और फिर वो लोग डिसीजन लेते हैं सारी बात जानने के बाद में कि जो जुम्मन है उसे अपनी चाची को एक मंथली खर्चा देना होगा अदरवाइज जो चाची की प्रॉपर्टी है वो उन्हें वापस मिल जाएगी अदरवाइज़ जुम्मन के पास कुछ भी नहीं रहेगा नाओ द टू फ्रेंड्स ये हो गया पंचायत का डिसीजन जो कि चाची के फेवर में चला गया नाउ द टू फ्रेंड्स शेल्डम सीन टूगेदर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन इनफैक्ट जुम्मन एंड अलगू एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज अब जब चाची के फेवर में अलगू ने फैसला ले लिया तो जुम्मन और उसकी जो दोस्ती है वो लगभग ख़त्म हो गई इनफैक्ट जो जुम्मन है वो अलगू को अपना दुश्मन मानने लगा वो चाहता था कि अब वो किसी भी तरह से अलगू से अपना बदला ले अब शुरू होता है पार्ट थ्री डेज पास्ट एंड एज इ लक वुड हैव इट चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट वन ऑफ इज फाइन पेयर ऑफ बुलेक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू शाहू अ कार ड्राइवर ऑफ विलेज द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट शाहू वुड पे द प्राइज ऑफ द बुलक इन अ मंथ टाइम इट सो हैपन्ड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ कुछ दिन निकले और बुरा वक्त आ गया अलगू चौधरी के लिए वो थोड़ा फाइनेंशियली उसकी पोजिशन खराब हो गई उसका एक बहुत ही अच्छा खासा बुलक था एक अच्छा खासा उसका बैल था उसकी डेथ हो गई जो दूसरा वाला था बैल मजबूरी में उसको समझू शाहू को बेचना पड़ा अलगू ने अपने दूसरे बैल को समझू शाहू को बेच दिया और समझू शाहू ने वादा किया कि मंथ के एंड तक वो इस पूरी बैल का पैसा दे देगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो दूसरा बैल था वो भी अचानक से मर गया एक महीने के अंदर ही सेवरल मंथ आफ्टर द बुलेट डेथ अलगू रिमाइंडेड शाहू ऑफ द मनी ही पेड शाहू गोट फेरिया आई कैन पे यू पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी ही ब्रॉटस नथिंग बट यून आई हैव अ बुलॉक यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी नो मनी फॉर द डेड बुलक ही से वो बोलता है अलगू शाहू के पास जाता है और वो बोलता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम एक महीने के बाद मेरे पैसे दोगे और इतने महीने निकल गए हैं तुमने मेरे पैसे नहीं दिए हैं तो फिर जो समझू शाहू है वो बहुत गु़स्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों कोई पैसा दूँ तुमने मेरे को रिचड मतलब एक बुरी क्वालिटी का एक बुरी कंडीशन का बे, का बैल बेचा और उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया कोई काम नहीं आया वो मेरे उल्टा मेरा नुकसान हो गया तुम ऐसा करो मेरे पास एक बैल है तुम उसे लेके जाओ एक महीना यूज़ करो और बाद में मुझे लौटा देना मैं किसी मरे हुए बैल के लिए पैसा नहीं दे सकता हूँ वो बहुत गुस्से से बोल के निकल गया अलगू तो रेफर द केस टू तो द पंचायत फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट अलगू ने डिसाइड करा भाई अब समझू शाहू मुझे पैसा नहीं दे रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ मैं पंचायत के पास जाता हूँ तो फिर भाई होने लगी पंचायत की तैयारी दोनों समझू शाहू और अलगू चौधरी अपनी अपनी बात लेके लोगों के पास जाने लगे और बातचीत होने लगी वो अपनी दिक्कतें बताता वो अपनी दिक्कतें बताता फिर एक दिन द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री द अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड लेट शाहू नॉमिनेट देड पंच आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन वो बोलता है जो Uh, जो अलगू चौधरी बोलता है कि जो पंचों की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है ठीक है तो जो वो बोलता है ठीक है सम वो अपॉर्चुनिटी देता है समझू शाहू को कि तुम चूज़ कर लो एक हेड पंचायत तो समझू जो समझू शाहू है वो हेड पंचायत चूज करता है हेड पंच वो चूज़ करता है साहू शॉ हिस्स चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन अलगू हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल बट वॉट कुड ही डू समझू शाहू को पता था कि अलगू चौधरी और जुम्मन के बीच अब झगड़ा हो चुका है कोई दोस्ती नहीं बची है तो वो फटाफट से सोचता है कि यार इसी का नाम ले लेता हूँ मैं फेवर में आएगा मेरे डिसीजन क्योंकि इन दोनों के बीच तो दुश्मनी है वो अपना बदला लेने की कोशिश करेगा तो वो जुम्मन का नाम लेता है और जैसे ही वो जुम्मन का नाम लेता है जो अलगू है उसका दिल दहल जाता है वो सोचता है कि अरे ये इसने किसका नाम ले लिया ये तो मेरे खिलाफ़ ही डिसीजन लेगा पर अब वो कर भी क्या सकता था मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अज एंडिग्निटी ऑफ हिस्ट ऑफिस कुड ही जुम्मन को हेडपंच बनाया जाता है वो वहां जाकर बैठता है उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और इतनी बड़ी जगह जाके जब वो बैठता है तो उसे एहसास होता है की इस जगह बैठ के क्या मैं बदला लू या फिर एक सही डिसीजन लू तो वो चूज करता है नहीं मैं सही डिसीजन लूंगा मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा ठीक है अलाउ पर्सनल फीलिंग्स कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस वो सोचता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी जो पर्सनल दुश्मनी है उसको बीच में नहीं ला सकता हूँ मुझे यहाँ पे सिर्फ इंसाफ करना है जस्टिस करना है बोथ अलगू एंड शाहू स्टेटेड देयर केसेस They were cross examined and the case was considered deeply. Then Jumman stood up and announced, It is our opinion that Shahu should pay Algu the price of bullock. When Shahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly, Over and over, victory to the panchayat. This is justice. गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच तो पंचायत शुरू होती है अलगू और शाहू जो हैं अपनी अपनी बातें रखते हैं और फिर बातों को क्रॉस एग्जामिन करते हैं और सारे पंच और जुम्मन ये डिसीजन लेते हैं कि जो अलगू है उसको कोई भी शाहू को अलगू को पैसा देना ही होगा क्योंकि जो बैल मरा है इसमें अलगू का कोई हाथ नहीं है वो अनफॉर्चुनेटली मर गया ठीक है पर इसमें अलगू की क्या गलती इसीलिए साहू को उसको पैसा देना ही होगा और ये सुनते ही कि अलगू अलगू एकदम खुशी से झूम उठता है कि जुम्मन ने मेरे फेवर में डिसीजन लिया है पंचायत ने मेरे फेवर में डिसीजन लिया है और वो खड़े होकर बोलने लगता है कि ये ये जस्टिस ये इंसाफ की जीत हुई है और पंचों के दिल में भगवान रहते हैं सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू एम्ब्रेस्ड हिम

पिछली पंचायत जब हुई थी उसके बाद से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था लेकिन आज जब मैं खुद हेड पंचायत बना तब मुझे एहसास हुआ कितनी जिम्मेदारी होती है हेड पंच के सर पे और मुझे मालूम पड़ा कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे मुझे माफ कर दो हमें हमारी फ्रेंडशिप पहले जैसी कर लेनी चाहिए अल्गु एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेबड एंड हिज वॉश अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम जुम्मन की ये बातें सुन के अलगू की आंखों में आंसू आ जाते हैं वो अपने फ्रेंड को गले लगाता है और रोने लगता है और उसके आंसूओं से उनके बीच की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं और सारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो ख़त्म हो जाती हैं और उनकी फ्रेंडशिप फिर से पहले जैसी हो जाती है तो ये स्टोरी के ऑथर हैं प्रेमचंद इन्होंने हमें ये वंडरफुल स्टोरी दी है जिसके अंदर फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है कि फ्रेंडशिप अपनी जगह है और हमारी जिम्मेदारियां अपनी जगह है सही डिसीजन लेने के टाइम पे हम ये नहीं सोच सकते कि हम उसके फ्रेंड ने तो हम उसकी गलती को छिपा लें अगर किसी की गलती है तो हमें उसके उसकी गलती बतानी ही होगी तो ये है इस स्टोरी का मॉरल मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपका फ्रेंड भी गलत हो तब भी आप उसे उसकी गलती बताओ सो दैट्स ऑल अबाउट टूडे स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच आई होप सो आपको ये स्टोरी समझ आई हो और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ